और केवल लाइटें चमकाना और क्रिश्चियन रॉक बजाना आज कलीसियाओं में हो रहा है, और इसीलिए कलीसियाएं जो हैं वो आज पीछे की तरफ जाती चली जा रही हैं। कलीसियाओं में कुछ अजीब हो रहा है, और वो गंजा जो मैंने आपको पहले दिखाया था, एंटन लावे शतान का महापुजारी, ये व्यक्ति जो है उसी का दामाद है, और इसका नाम है निकोलस शेरेक, और ये अमेरिका के वेयरवुल्फ कोविन का डायरेक्टर है, इंटरनेशनल वेयरवुल्फ कोविन जो है, वेयरवुल्फ के जो अड्डे पूरी दुनिया में पाए जाते हैं उसका अंतरराष्ट्रीय डायरेक्टर जो है वो ये ही है। और इसने अपने एक इंटरव्यू के अंदर बताया कि आज हम लोग जो हैं शैतानवादी जो हैं वो जवानों को फंसाने में लगे हुए हैं, और जवानों को फंसाने में जो सबसे महत्वपूर्ण हथियार हमारे पास है वो हम म्यूजिक के द्वारा, संगीत के द्वारा जवानों को शैतानवाद के अंदर फंसाने में हम लगे हुए हैं। खुद इसने, आप YouTube पे जाकर के निकोलस शेरेक का इंटरव्यू सुन सकते हैं, खुद अपने मुंह से उसने इस बात को बोला कि म्यूजिकल फ्रीक्वेंसी के द्वारा हम लोगों के मस्तिष्क के ऊपर कब्जा करके उनके मस्तिष्क में अपनी विचारधारा को भर देते हैं। ये सब कुछ आज हमारे ही समय में हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, आपको एक और बात जान करके बहुत ज्यादा आश्चर्य होगा, और वो ये है कि परमेश्वर ने जब मूसा को व्यवस्था प्रदान करी थी आज से 3500 साल पहले, तो परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि इसराइलियों को जाकर के कहना कि कुछ विशेष प्रकार के फैशन इसराइली जो है वो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ऐसे फैशन करने वालों से परमेश्वर ने कहा था कि मुझे घृणा आती है। और परमेश्वर ने व्यवस्था में मूसा को साफ साफ शब्दों में बताया था कि ये फैशन जो है वो इसराइली बिल्कुल भी ना किया करें। और मैंने आपको अपने संदेश के प्रारंभ के अंदर ही कहा कि वही प्राचीन दुष्ट आत्माएं जो इसराइलियों को परमेश्वर के विरोध में ले गईं, वही प्राचीन दुष्ट आत्माएं आज एक बार फिर से इंसान को परमेश्वर के विरोध में लेकर के जा रही, और आज वही फैशन जो है वो दुनिया में आ चुका है जिसके लिए परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि इसराइली ये फैशन बिल्कुल भी ना करें। और परमेश्वर ने लेव्य व्यवस्था उसका 19 अध्याय और उसके 27वें वचन में एक फैशन के बारे में बताया था, और परमेश्वर ने कहा था कि तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना। और आज ये फैशन जो है वो गॉथिक फैशन के रूप में सामने आ चुका है, और विकिपीडिया के ऊपर जाकर के आप गॉथिक फैशन के बारे में पढ़ सकते हैं कि गॉथिक फैशन वास्तव में क्या होता है। जर्मनी से ये फैशन जो है वो निकला है, और लेवी व्यवस्था उसका 19 अध्याय और उसके 27वें वचन में परमेश्वर ने कहा था मूसा को, अपने सिर में घेरा रख कर ना मुंडाना, अपने सिर के बालों को जब तुम कटाओ तो अपने बालों की कटिंग जो है वो तुम ऐसी मत कराना, अपना हेयर स्टाइल जो है वो तुम ऐसा मत रखना कि मानो तुमने कोई घेरा रख करके अपने बालों को कटा लिया हो, हेयर स्टाइल रख लिया हो, क्योंकि प्राचीन काल के अंदर जो कनान देश था और आसपास के जो देश थे वहां पर बालवाद फैला हुआ था, बाल की उपासना की जाती थी, और ये बाल के उपासक जो हुआ करते थे वो इन्हीं फैशंस को किया करते थे। इसलिए परमेश्वर ने कहा था कि इसराइली ऐसा बिल्कुल भी ना करें, तुम ऐसा हेयर स्टाइल मत बनाना, तुम घेरा रख के अपने बालों को मत कटाना, परमेश्वर ने कहा था बिल्कुल भी तुम ऐसे बाल मत कटाना। और ये बाल जो है वो आज इसी प्रकार के घेरा रख करके कटाना जिसको कहते हैं, ये आज फैशन के अंदर बहुत तेजी के साथ फैलते चले जा रहे हैं। लेकिन एक और अजीब फैशन और चल रहा है, इसको डेविल्स टेल कहा जाता है, शैतान की दुम, और आपको दिखेंगे बहुत सारे मसीही जवान यही दुम लगाए हुए। लेकिन परमेश्वर ने कहा था कि तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना। लेकिन एक और बात जो परमेश्वर ने बताई थी, लेवी व्यवस्था उसके 19 अध्याय और उसके 28वें वचन में परमेश्वर ने कहा था, मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल ना चीरना और ना उसमें टैटू लगाना, मैं यहोवा हूं। परमेश्वर ने कहा था कि तुम अपने शरीर पर कोई छाप मत लगवाना, कोई टैटू,
तुम अपने शरीर के ऊपर मत गुदवाना, क्योंकि प्राचीन काल में जो बाल के उपासक हुआ करते थे वो बाल को महिमा देने के लिए अपने शरीर के ऊपर टैटू गुदवा लिया करते थे। और परमेश्वर ने कहा था कि तुम टैटू बिल्कुल भी मत गुदवाना, लेकिन आज ये टैटू कल्चर जो है वो पूरे संसार के अंदर फैलता चला जा रहा है, पूरे संसार में फैल चुका है। इतना फैल चुका है कि जो भारतीय सेना है, जो इंडियन आर्मी है, उसने अलग से रूलिंग निकाली है कि यदि किसी के भी शरीर पर टैटू बना हुआ होगा तो इंडियन आर्मी में तो उसको लिया ही नहीं जाता है। और परमेश्वर ने भी कहा था कि तुम टैटू मत खुद गुदवाना, और इसलिए कहा था क्योंकि बालवाद के अंदर ऐसा किया जाता था। लेकिन मेरे प्रियो, ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि परमेश्वर ने एक और कारण था जिसकी वजह से परमेश्वर ने कहा था कि तुम अपने शरीरों पर टैटू मत गुदवाना, और वो ये कारण था कि ये टैटू की जो स्याही होती है, इंक होती है, इससे इंसान को हेपेटाइटिस के अलग अलग जो स्टेजेस होती हैं वो हो जाती हैं, सीफिलिस नाम की बीमारी हो जाती है। और कई कई केसों में ये बात भी सामने आई है कि इस टैटू की इंक के द्वारा इंसान को एड्स भी हो जाता है। इसराइलियों को ये बीमारियां ना हो जाए, इसलिए परमेश्वर ने कहा था कि तुम टैटू बिल्कुल भी मत गुदवाना। लेकिन ये फैशन जो आज चल रहा है, आज हमारे मसीही जवान भी आपको टैटू से गुदगुदाए घूमते हुए नजर आएंगे, किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा जो है वो नाश हो रही है। पौलुस ने कहा कि हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है, और यहीं पर ही 28वें वचन में परमेश्वर ने कहा था कि मरे हुओं के कारण अपने शरीर को बिल्कुल भी ना चीरना। परमेश्वर ने बॉडी पियर्सिंग जो थी उसके लिए मना किया था, क्योंकि बालवाद के अंदर बॉडी पियर्सिंग जो है वो की जाती थी, इसलिए परमेश्वर ने ऐसा करने के लिए इसराइलियों को मना किया था। और आप देख सकते हैं कि इस गॉथिक फैशन में आज बॉडी पियर्सिंग जो है वो किस प्रकार से की जा रही है, वही फैशन जिसके लिए परमेश्वर ने कहा कि तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना, वही फैशन जो है आज जोर शोर शोर से पूरी दुनिया के अंदर फैल रहा है। लेकिन एक फैशन जो रानी इजाबेल किया करती थी, और रानी इजाबेल जो थी वो बाल की महापुजारिन थी, और इसीलिए रानी इजाबेल जो थी वो दूसरा राजा उसका 9 अध्याय और उसके 30वें वचन के अंदर बताया गया है कि रानी इजाबेल जो थी वो किस प्रकार का फैशन किया करती थी। और दूसरा राजा उसका 9 अध्याय उसके 30वें वचन में लिखा हुआ है कि इजाबेल ने अपनी आंखों के अंदर सुरमा लगाया। लेकिन इंग्लिश में पढ़े या मूल हिब्रू बाइबल में पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है शी पेंटेड हर आईज, उसने अपनी आंखों को रंग लिया। और किस प्रकार से रंग लिया? इस प्रकार से, शी पेंटेड हर आईज, इस प्रकार से उसने अपनी आंखों को रंग लिया था, क्योंकि प्राचीन काल के अंदर जो बाल की उपासना करने वाली हुआ करती थी वो इसी प्रकार से अपनी आंखों को रंग लिया करती थी। और इसीलिए बाइबल में दूसरा राजा 9 अध्याय उसके 30वें वचन में लिखा हुआ है कि शी पेंटेड हर आईज। और उसके बाद वहां पर लिखा हुआ है कि उसने अपनी आंखों में सुरमा लगाया और अपने बाल सवारे, क्योंकि वो येहू को सिड्यूस करने के लिए जा रही थी। आहाब राजा जो था वो मर चुका था और येहू विजेता के रूप में आ रहा था, और येहू को अपनी सुंदरता से मोहित कर देने के लिए वो बालवाद के महत्वपूर्ण प्रतीकों का उपयोग कर रही थी। उसने अपनी आंखों को रंग लिया और वहां पर लिखा है उसने अपने बाल सवारे। और बाइबल के जो स्कॉलर्स हैं वो इस बात को बताते हैं कि उसने इस प्रकार के बाल बनाए थे जो कि बालवाद का और आज के युग में शतानवाद का एक बहुत बड़ा सिंबल माना जाता है। एक आंख को बालों से उसने छिपा लिया था, और येहू ने जैसे ही इजाबेल को इस प्रकार से आंखें रंगे हुए और इस प्रकार से अपने एक आंख को बाल से छुपाए हुए देखा तो येहू जो था वो आग बबूला हो गया, और येहू ने कहा कि ऊपर से उठा करके इस औरत को नीचे फेंक दो, और इजाबेल जो थी उसकी खोपड़ी की चिथड़े उड़ गए थे, क्योंकि येहू समझ गया था कि ये औरत जो है वो मेरे ऊपर
जादू टोना करना चाह रही है, मुझे सिड्यूस करना चाह रही है। इस प्रकार के जो फैशन थे वो प्राचीन काल में चला करते थे, और आज एक बार फिर से ये दुष्ट आत्माएं जो हैं वो ये फैशन ले आई हैं। और आज एक और फैशन चल रहा है जिसको डेथ कल्चर कहा जाता है। आज जवान जो है इस प्रकार की टी शर्ट्स पहनते हैं जिसके ऊपर खोपड़ियां बनी रहती हैं, और ये खोपड़ियां जो हैं ये प्राचीन काल से ही मौत का प्रतीक मानी जाती रही हैं। और डेथ कल्चर जो है आज पूरी दुनिया के अंदर जवानों के द्वारा किया जा रहा है। और आप इस तस्वीर को देख करके कहेंगे ये तो बहुत धार्मिक टी शर्ट है, लेकिन अमेरिका के अंदर ये टी शर्ट्स जो हैं वो शैतानवादियों के द्वारा बनाई जाती हैं। और मैं यहां पर आपको जूम करके नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस यीशु मसीह की इस तस्वीर में जो इस टी शर्ट पे बनी हुई है, आपको यहां पर हाथ से शैतानवादियों ने यीशु के हाथ से वही निशान बनाया है जो शैतान को महिमा देने के लिए बनाया जाता है, सैटेनिक सैल्यूट के रूप में बनाया जाता है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह की तस्वीर जो इस टी शर्ट पे बनी हुई है, यीशु के बालों में उन्होंने एक फूल को लगाया, यानी एक समलैंगिक की तरह यीशु को उन्होंने प्रदर्शित किया है कि यीशु जैसे एक होमोसेक्सुअल हो, एक समलैंगिक हो। और मसीही लोग जो हैं इन सारी गुण चीजों को समझ नहीं पाते हैं, और ऐसी टी शर्ट्स हजारों रुपए में खरीदते हैं बड़े बड़े ब्रांड्स से, और इन टी शर्ट्स को पहनते हैं और नहीं समझते हैं कि इनके कारण परमेश्वर का श्राप जो है वो जीवनों के ऊपर आ जाएगा, समझते ही नहीं उनको।